तो ये छोटा सा यात्रा चली जा रही है, आपको सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी बहुत सारी, काफी मजा आ रहा है। वाह वाह वाह, पानी की आवाज आ रही है बड़ी अच्छी अच्छी, पानी और पीछे झरना है और साथ में आपको पानी पानी दिख रहा है। आज हम आए हैं बाबा धनसर के दर्शन करने। ये जम्मू के रियासी जिले में करुआ गांव में पड़ता है। बाबा धनसर शेषनाग जी के पुत्र थे और इनकी एक अद्भुत कहानी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा दावा है कि आप ही यहां जाने के इच्छुक हो जाएंगे। तो ये छोटा सा यात्रा चली जा रही है, आपको सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी बहुत सारी, काफी मजा आ रहा है। फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड काफी मजा आ रहा है, फौजियों वाली फीलिंग आ रही है। तो हम पहुंच चुके हैं धनसर गुफा जी के पास। तो ये बहुत सारे भक्तजन यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तो माना जाता है यहाँ पे शिव की गुफा है, प्राचीन गुफा है, वो एक्सप्लोर करते हैं। हाँ जी, तो ये इस तरफ से रास्ता है, जाने नीचे जाके राइट टर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको शूज वगैरह उतार के या नीचे उतार लीजिए और फिर इस तरफ आपको ये देखिए बाबा धनसर गुफा, बाबा धनसर जी। और ये बाबा धनसर जी का बारे में कुछ तीन चार बातें लिखी हुई हैं कि आपको अंदर क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या बात है, ये देखिए अंदर जाते ही प्यारा व्यू देखने को मिला है। वो देखिए सचिन जी, क्या बात है यार, वाह वाह वाह, पानी की आवाज आ रही है बड़ी अच्छी अच्छी, पानी और पीछे झरना है और साथ में आपको पानी पानी दिख रहा है। और वह भगत जन कर रहे हैं संकीर्तन। यहाँ से रास्ता है गुफा के अंदर जाने का दोस्तों, ये देखिए। ये सामने भोले बाबा जी हैं, उनके आगे पार्वती माता जी हैं, गणेश भगवान जी हैं, इधर कार्तिक जी हैं, गंगा माता जी हैं। अच्छा जी, शिव परिवार के दर्शन है। ठीक है, दो माता के थन बने हैं चार, शेषना का फन है, एक ना का फन है। ठीक है, अच्छा जी, कैलाश पर्वत है ये। जी कैलाश पर्वत है, ये डमरू है शिवजी जी का ये। हाँ आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, ये दर्शन है। ठीक है, आपको कहीं भी मिलेगा वो इनका रिलेटिव होगा, कोई भाई भतीजा बेटा। और जहाँ भी मंदिर होगा उस मंदिर के आगे झील झरना पानी नेचुरल मिलेगा, क्योंकि बासुकी नाग जो है वो समंदर में रहते हैं, तो ये सारा परिवार उनका शेषनाग है, सारा समंदर में ही रहता है। 22 बेटों में से एक जहाँ पर बाबा धनसर जी हैं, धनसर बाबा कोई बाबा नहीं साधु नहीं है, शेषनाग जी इनका रूप है, नाम इनका धनसर है, तो बड़े हैं भगवान है तो बाबा धनसर जी बोलते हैं। धनसर बाबा शेषनाग इस झील में रहते हैं पानी के अंदर, आप सभी पहली बार ही आए हो इधर, ठीक है ना। धनसर बाबा शेषनाग इस झील में रहते हैं और इस झील में एक नाग के दर्शन होते हैं यहाँ, असली में नेचुरल डेली रोज दर्शन है, लेकिन बड़ी किस्मत वाले नसीब वाले को यहाँ दर्शन होते हैं। यहाँ बैठ के इन्होंने तपस्या की थी 12 साल भोले बाबा जी की,
शेषनाग ने तपस्या करी थी शिव जी की 12 वर्ष और शिव जी ने स्वयं परिवार के साथ दर्शन दिए सामने गुफा में। वो जो गुफा बनी है प्राकृतिक का नेचुरल, उसके अंदर शिव परिवार विराजमान है। बाबा धनसर शेषनाग है जो सब नाग देवता का परिवार है सारा ही। ये मूर्तियां हाथों से बनी हुई है, प्राचीन काल की सदियों पुरानी है और कहते हैं जब से धनसर बाबा जी जहाँ पर आए हुए हैं, प्रकट हुए, विराजमान है, तब से ये मूर्तियां इन्हीं के लोगों ने बना के चढ़ाई है राजा महाराजाओं के टाइम की। धनसर बाबा हमारे ये कुल देवता हैं, हमें इनका वरदान है, पूजा सेवा हम करेंगे और इनका वरदान है हमारे कुल के अंदर बड़ा लड़का होगा बेटा, तो जिंदगी में एक बार बड़े बेटे की ये मूर्ति बना के हम चढ़ाएंगे यहाँ। तो बाहर लगी हुई सारी है, ये हमारे गांव की परंपरा है। मैं थोड़ी ये बात आपको सीधी समझा देता हूँ, इसमें मेरी भी मूर्ति लगी। दोस्तों जैसे ही दर्शन करके हम वापस आएंगे, आपको प्यारा सा व्यू दिखाते हैं। ये देखिए झरना आ रहा है यहाँ से, आइए पहले झरना ही देखते हैं, क्या कमाल का ट्यूब आ रहा है। ये माना जाता है कि ये शिवलिंग है और जटा से गंगा बह रही है। आइए इसको और करीब से देखते हैं। दोस्तों इस करुआ झील को गुप्त गंगा भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ करुआ में प्राचीन काल में एक राक्षस रहता था और उस राक्षस के डर से गांव वाले बाबा धनसर के पास गए और उनसे मदद मांगी। फिर बाबा जी ने भगवान शिव की आराधना की और भोलेनाथ ने उस दानव को मारने में बाबा धनसर की सहायता भी की। तभी से बाबा धनसर का नाम इस गांव में काफी प्रचलित हुआ और उनके नाम पे यहाँ प्राचीन मंदिर बना। और काफी साफ सुथरा पानी है, नीचे जमीन दिख रही है, पत्थर दिख रहे हैं और ये जो मूर्तियां दिख रही हैं, ये माना जाता है कि उनके पूर्वजों की मूर्तियां हैं जो बनाई गई हैं। काफी शांत वातावरण है इस मंदिर में और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे दर्शन करके बाबा धनसर जी के। तो दोस्तों ये था बाबा धनसर जी का मंदिर जी, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, काफ़ी शांत वातावरण है और काफ़ी अच्छी जगह बना हुआ है, काफ़ी अच्छा इतिहास भी बताया गया हमें। तो ऐसे ही हम जम्मू में और भी अच्छे अच्छे मंदिर, प्राचीन मंदिर एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्यार देते रहिए और हर हर महादेव कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए सफर पे, नई जगह पे और नए लोगों के बीच। खास आपके लिए को अपना प्यार देते रहिए और प्राचीन मंदिर को एक्सप्लोर करने की अपनी रेकमेंडेशन जरूर दे दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।